डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप बैंक में अपना सेविंग और करंट अकाउंट ओपन कराते हो, जिसके थ्रू आप अपनी मनी को डिपॉजिट और क्रेडिट कर सकते हो, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट होता है जिसे हम लोग डीमैट अकाउंट बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF और डेट सिक्योरिटीज को उनके डिजिटल फॉर्म में होल्ड कर सकते हो। डीमैट एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, जो कि आपको एक्सचेंजेस NSE और BSE से शेयर्स को खरीदवाता और बेचवाता है। वहीं दूसरी तरफ डिपॉजिटरी CDSL और NSDL में आपके शेयर्स को डिपॉजिट करवाता है। दो क्वेश्चन हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करा सकता हूँ, तो इसका आंसर है जी हाँ। पर याद रखिएगा, आपको सबको AMC चार्जेस देने होंगे, जिसे हम लोग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा ब्रोकर भाग गया तो क्या मेरी सिक्योरिटीज डूब जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट आइडेंटिटी CDSL और NSDL में डिपॉजिट होती है, तो अगर आपका ब्रोकर भागता भी है तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।